नमस्कार फ्रेंड्स, कृषि विभाग पूर्वी सिंहभूम में रवि के ऊपर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जो कि बहुत ही सफल और किसानों को तकनीकी, आधुनिक कृषि और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर चर्चा हुई। आइए विभाग के द्वारा आयोजित कार्यशाला की देखते हैं कुछ झलकियां। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य जो हमारा रबी की फसलें हैं और रबी का जो लक्ष्य है उसको पूर्ति करने हेतु क्या हम लोग का मार्गदर्शन रहेगा और उसको किस तरह से हम लोग सफलतापूर्वक अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। साथ ही साथ जो हमारे लाइन डिपार्टमेंट की जो भी योजनाएं हैं जो कल्याणकारी कृषकों के लिए, उसके बारे में भी हम लोग सर पर चर्चा किए। साथ ही साथ तकनीकी सत्र में हमारे जेडआरएस के तो मुझे इतना ही कहना था बैंक की तरफ से। और अभी एक चीज मैं जस्ट ऐड करना चाहूंगा, किसान को थोड़ा सा बताइए कि एक एआईएफ स्कीम है, एक भी आयोजन किया है पूरा जिला के सभी प्रखंड से आए हुए कृषि क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं सभी पदाधिकारीगण और सम्मानित सभी पदाधिकारीगण सबको अध्यक्ष हुआ की योजना दी गई है। आज इस योजना का कार्य को करने के लिए डायरेक्ट अंतिम पंक्ति में जो लोग खड़े हैं उनके तक पहुँचने वाला डायरेक्ट व्यक्ति है और आप लोग जितना अच्छा कार्य को करने के लिए आज सारा उपस्थित हुए, आपको तो जितने भी प्रशिक्षण देने के लिए आप लोगों को जानकारियाँ देने के लिए जिन हमारे बीच उपस्थित है जिला पशुपालन पदाधिकारी, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि पशुपालन विभाग की जो भी योजनाएं संचालित की जा रही हैं उसके बारे में भी उपस्थित हमारे जो भी प्रतिनिधि आए हैं प्रखंड से उनको जानकारी दिया जाए ताकि उस योजना को किसानों तक पहुंचाया जाए। साथ ही साथ किसान जो है सो उस योजना का लाभ लेकर के अपनी आमदनी को दोगुना कर दे। समस्त जितने भी उपस्थित यहाँ किसान बंधु हैं, एटीएम और लोग हैं, तो उनको मैं जानकारी देना चाहूँगा कि हमारी जो योजनाएँ जो है खास करके जोड़ा बैल वितरण की योजना है और जिसमें से 90% सब्सिडी पर इसमें बैल दिया जाता है गरीब किसानों को, बीपीएल परिवार के सदस्यों को, जिसमें हम लोग सारी योजना को एक बार से एक किसान सभी योजना का लाभ ले सकता है। अगर उसको कृषि से कुछ लाभ मिलता है तो कुछ पशुपालन से मिलता है, कुछ मत्स्य से मिलता है, कुछ डेयरी से मिलता है। हम लोग का मेन फोकस यही है और मेन फोकस यही कि हम लोग किस तरह अपना फार्मर का आय को कैसे हम लोग डबल करें। जो हमारे प्रधानमंत्री ने भी मैंने कहा था कि हम लोगों को मेन यही फोकस करना है किस तरह हम लोग को आय डबल करना है और दूसरा क्या है पानी कैसे बचत करना है। जैसे सर बार बार बोल रहे थे पर ड्रॉप फोर ड्रॉप ड्रिप इरीगेशन के बारे में, हम लोग को पानी बचाना है क्योंकि हर साल हम लोग देख रहे हैं कि रेनफॉल बहुत कम हो रहा है, हर साल धीरे धीरे बारिश बहुत कम हो रहा है, तो किस तरह हम लोग को अपना पानी का बचत करना है उस पर बहुत ज़्यादातर हम लोग को फोकस करना है और हर साल हम लोग को नई चीज़ के बारे में सोचना है, एक ही फसल के पीछे नहीं भागना है, सिर्फ धान की खेती के पीछे नहीं भागना है। बहुत सारा योजना उद्यान में भी है, कृषि में सब कुछ आता है, हम लोग उद्यान सब इसी का पार्ट है, बस हम लोग को थोड़ा सा डिवाइड कर दिया गया है। लार्ज स्केल में कृषि होता है, छोटा स्केल में सब्जी वगैरह सब सारा आपका उद्यान में आता है। उद्यान बोलने से सबसे पहले पिक्चर आता है फूल का, है ना। लेकिन बहुत जगह अभी भी कहीं कहीं बहुत सारे ब्लॉक में लोगों को अभी तक पूरी जानकारी नहीं है कि फूल का खेती में बहुत सारा फायदा होता है। हम लोग क्यों उस लोग बंगाल से फूल मंगाते हैं, क्यों साउथ से फूल आता है, हम लोग मछली क्यों आगरा से मंगाते हैं, क्यों नहीं हम लोग यहाँ क्यों नहीं करें, इस चीज़ को हम लोग को फोकस करना है और उन सब चीज़ों पे मेन फोकस करना है जिससे उन लोगों को कम टाइम में ज़्यादा इनकम मिल सके। इस साल मेरे यहाँ एक स्ट्रॉबेरी का नया स्कीम आया, हम सोचे कि शायद किसान लोग
नहीं कर पाएगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे किसान भी हैं जो लोग उसको अपनाएं। कितना लाइफ डिपार्टमेंट है सबको आपका पता होना चाहिए, ताकि जब आपसे पूछा जाए, कोई भी किसान पूछे, आप उसमें बता सकें। और मैं हमेशा अवेलेबल हूँ, जब भी कोई डाउट होता है, कोई किसान कोई स्कीम पहुँचाना रहता है, तो आप लोग यहाँ से कॉन्टैक्ट करके स्कीम के बारे में बता सकते हैं। इन बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। सभी को जोहार, स्वागत सभी को। मैं रियाज अंसारी, भूमि सचेत पदाधिकारी जमशेदपुर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से हमने यहाँ का जो निरीक्षण किया है, सभी ब्लॉकों में जाके देखा है, तो और जिस तरह से दो साल से हमारा जो राज्य जो है सूखा ग्रसित हो रहा है, सूखा ग्रसित इसलिए हो रहा है कि हम लोग जो है हम लोग वाटर हार्वेस्टिंग को मजबूत नहीं कर पाए हैं। जो हमको ईश्वरीय देन मिला है, हमको जो वर्षा मिलती है जो साहब, वो हम लोग उसको अच्छे ढंग से उसको हम लोग सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं। वो पानी हमारा नदी के माध्यम से समुद्र में चला जा रहा है, या उसको हम लोग स्टोर नहीं कर पा रहे हैं, तो जिसके कारण हमारे खरीफ फसल तो हो जा रही है, लेकिन रबी फसल को हम लोग, जिसमें हम लोग चना उगाते हैं, मटर उगाते हैं, गेहूं उगाते हैं, उसका एरिया देखा जाए तो खरीफ से 1/3 है। अगर हम लोग 30 मिलियन हेक्टेयर लेते हैं, तो 11 मिलियन हेक्टेयर हम लोग जो है खरीफ में लेते हैं। तो इसे देखने से ये पता चलता है कि हम लोग खरीफ में पीछे चले जा रहे हैं। तो खरीफ को हम लोग कैसे बढ़ाएंगे? खरीफ में हम लोग दो चीज़ का होता है, खेती और बाहरी होता है, जानते हैं आप लोग, सब जानते हैं। खेती मतलब कि हम लोग बड़े लेवल पे खेती धान गेहूं का करते हैं, बारी मतलब जहाँ सब्जी साग मटर या छोटे गाजर मूली उगाते हैं। तो उस चीज़ को हम अगर हम देखते हैं, तो सब्जी को क्षेत्र को हम कैसे बढ़ाएं, या बारी के क्षेत्र को कैसे बढ़ाएं। बारी मतलब कि जो हमारे किचन के आसपास जो ज़मीनें हैं उसको हम भी बढ़ा सकते हैं। उसमें रवि के समय में हम लोग जैसे कि पशु जिसे होता है कि गेरू सब चर जाता है, खा जाता है, उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो उस चीज़ को हम बाहरी को क्षेत्र को विकास करने से हमारा रवि की जो है क्षेत्र विकास होगा, और रवि में जो है पैदावार बढ़ेगा। पैदावार बढ़ने से डेफिनेटली हमारे जो किसान की आय की बढ़ोतरी होगी, जो सरकार की मंशा भी है कि कैसे हमारे किसान की आय को बढ़ोतरी मिले। उसी के सापेक्ष में हमारी भूमि संरक्षण परकोलेशन टैंक का निर्माण कर रही है, तालाब सरकारी तालाब निजी तालाब का जीर्णोद्धार कर रही है, और पर्कुलेशन डीप बोरिंग का भी इसमें हम लोग भी कार्य कर रहे हैं। तो इस वर्ष बंजर भूमि राइस फेलो विकास योजना के तहत निजी सरकारी तालाब में हम लोग 153 तालाब का निर्माण करना है। पूरी जिला में, पूर्वी सिंहभूम जिला में 153 तालाब का निर्माण कर हमने जीर्णोद्धार करना है। जो वही तालाब जो पहले से जिसका मतलब कि उसकी अस्तित्व खराब होने खत्म हो गई है, उसका पानी का जो स्टोरेज कैपेसिटी घट गई है, उसको हम लोग क्या करेंगे, गहराईकरण करेंगे, उसका चारों तरफ से मेड़ बंदी करेंगे, सौंदर्यकरण करेंगे। उस मेड़ पे जो है हम लोग अरहर अगर हम लोग चारों तरफ मेड़ के ऊपर उगाते हैं, तो स्वाभाविक बात है कि हम लोग जो है कुछ ना कुछ उससे हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। हमने एक पिछले मैं क्योंकि 2-3 महीने पहले हमने किया था एक तालाब भ्रमण करने में, तो सर उसमें हमने पाया कि मेड़ के चारों तरफ लौकी का जो है बढ़िया से खेती किया, लौकी का हो गया और कोहड़ा का हो गया। मैं देखा तो बहुत अच्छा लगा हमको कि एक किसान जो है कम से कम 1,00,000 रुपये का उसने आमदनी प्राप्त कर लिया। तो हम 153 तालाब का निर्माण करते हैं, अगर हम लोग आप लोग के सहयोग से, हमारे FS के सहयोग से, हमारे JEE के सहयोग से, हमारे ATM BTM जो यहाँ हमारे उपस्थित है, आप लोग ब्लॉक लेवल पे काम करते हैं, और उस जो आपके ब्लॉक में जैसे कि पटमदा, बड़ाम, जमशेदपुर, जहाँ जहाँ हो रहा है, उसके जो आसपास दूर दराज गाँव में जहाँ जहाँ पे तालाब का निर्माण हम लोग करते हैं, आप लोग लिस्ट ले सकते हैं, और वहाँ का जो उस वहाँ के जो किसान है वो गाँव के हैं। हमको नहीं लगता है कि पूरा मेड़ को सारा किसान कवर करता होगा, वो छोटा पार्ट कवर करता होगा। उसी में हम देखें कि इतना उपजाऊ उसमें, जैसे कि अगर हम लोग चाहेंगे तो सब्जी भी उगा सकते हैं, हम लोग साग भी उगा सकते हैं। तो बगल में ही जो है पानी है, किसी माध्यम से जो है या तो
वो अपना सिंचाई करके अपना जो है उसको बढ़िया से पैदावार ले सकता है। तो उसी तहत हम लोग जो बारी को बढ़ावा देने के लिए परकुलेशन टैंक का भी निर्माण करते हैं। परकुलेशन टैंक मतलब कि एक पानी का स्टोरेज, एक सीमित एरिया है हम लोग का पास, मॉडल एस्टिमेट है 120x100 फीट के अनुसार से बनाते हैं, 12 फीट गड्ढा करते हैं, तो एक बहुत बढ़िया पानी उसमें मिल जाता है। उसमें भी हम लोग जो है बढ़िया से हम लोग जो है सब्जी को उगा सकते हैं। सब्जी मतलब आप जो है वही लौकी, आप वही जो है कोहड़ा लगा सकते हैं, आप जो है बैंगन भी खेती कर सकते हैं, आप चाहेंगे तो टमाटर भी लगा सकते हैं। तो इससे जो है आपका आपका एक छोटा सा ज्ञान से उस किसान का जो है आप अगर सजेस्ट कीजिएगा कि ऐसा कर सकते हैं, बेड पे ऐसे काम कर सकते हैं, आप बगल वाला जो एरिया है तालाब का उसमें, तो मतलब कि उसको एक तरह से एक छोटी सी ज्ञान से उसका जो है कितने फैमिली को सपोर्ट मिल जाएगा, तो इससे भी हम लोग जो है अच्छा दिन कर सकते हैं। हम लोग जो है मिनी ट्रैक्टर का भी हम लोग जो है बांटते हैं, SHG महिला ग्रुप जो होती है समूह, मतलब 12 महिलाओं का एक समूह, तो 12 महिलाओं को ऐसे इसको हम लोग SHG में उसको बांध कर, मतलब कि SHG ग्रुप बनाते हैं, एक ग्रुप होता है उसको हम लोग 80% के अनुदान पे उसको मिनी ट्रैक्टर रोटावेटर जिसका कुल कीमत 6,25,000 होता है, अगर वो 5,00,000 देते हैं, मतलब 1,25,000 देता है तो 5,00,000 का अनुदान सरकार की तरफ से मिलती है, टोटल 6,25,000 उसको कृषि यांत्रिकरण के रूप में उसको एक ट्रैक्टर रोटावेटर मिल जाता है। तो इसमें भी आप लोग थोड़ा सा, कोई ऐसा ग्रुप है जहाँ बढ़िया खेती होता है, कोई ऐसा लैब्स है, कोई पैक्स है जो अच्छा काम करना चाहते हैं खेती के ऊपर में, तो इसके ऊपर हम लोग भी जा सकते हैं। उन्होंने पूरी जानकारी दे दी है, मतलब सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन जो दो मुख्य हमारे नेचुरल रिसोर्स हैं, मिट्टी और पानी, पानी खासतौर पर जो नेचुरल जो रिसोर्स है जो वर्षा आधारित पानी है, ये दोनों इतने इम्पोर्टेंट रिसोर्स हैं, इनको हमें मैनेज करके आगे आने वाली पीढ़ियों के यूज में भी काम आए, उनको देखते हुए सस्टेनेबल तरीके से यूज करना है। खास करके जब हम सॉइल वाटर कंजर्वेशन की बात करते हैं, तो जैसे ही पानी वर्षा आधारित पानी जो हमारे जमीन पे आती है और उसका जो समुद्र तक का सफर होता है वो बहुत लंबा सफर होता है, तो इसका उद्देश्य यही मुख्य होता है कि समुद्र के सफर तक उनका जाने से पहले हम वो मूल्यवान जो हमारे ये पानी है उसको कैसे संरक्षित करेंगे, कि खेत पहले तो खेत के लेवल पे ही उसको छोटा छोटा मेड़ बनाकर उसको संरक्षित कर सकते हैं, उससे भी यदि ज्यादा पानी हो गया तो हम उसको एक कॉम्पाउंड बना के संरक्षित कर सकते हैं, उससे भी यदि कंट्रोल नहीं आता है पानी ज्यादा हो रहा है तो फिर हम उसका ड्रेनेज लाइन ट्रीटमेंट करते हैं, तो जो उसका वाटर कोर्स है जिससे वो नदी पानी जो बहती है उसके वाटर कोर्स में हम डिफरेंट डिफरेंट जो वाटर सॉयल वाटर कंजर्वेशन मेजर्स हैं, स्ट्रक्चर है, चेक डैम है, ब्रसपुट चेक डैम है, ये सब LVCD है, लूज बोल्डर चेक डैम है, ये सब तरीके हैं जिसको हम ड्रेनेज लाइन ट्रीटमेंट के कॉन्सेप्ट में ला के हम पानी को समुद्र में जाने से पहले उसको कितना हम अपने काम में ला सकते हैं, ये उसका मेन उद्देश्य होता है जिस तरीके से हम लोग कंजर्व कर सकते हैं। लास्टली ये सब स्ट्रक्चर बनाने के बावजूद भी यदि पानी बच जाता है और वो डिस्पोजल करना होता है तो उसको लास्ट में हम लोग बड़े बड़े डैम बनाना पड़ता है, वो लास्ट हमारे पास एक लास्ट कहेंगे कि चारा होता है कि उसको डैम बनाकर पानी को हम लोग एकत्र करके रखें और लास्ट में उससे भी डैम भी जो ओवरफ्लो हो जाए तो लास्ट में वो पानी को हम लोग समुद्र तक का सफर तय करेंगे। इस तरीके से हम लोग वाटर का मैनेजमेंट करना होता है, तो हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग इसका मैसेज अपने किसान बंधुओं को देंगे और अपने खेत के लेवल पे भी उनको सॉइल को कैसे कंजर्व करना है, वाटर को कैसे कंजर्व करना है, इनका हमको जानकारी दें। तो पानी जो बहती है इसके साथ साथ केवल पानी नहीं बहता है, ध्यान देंगे वो क्लीन वाटर नहीं होता, वो मडी वाटर होता है, उसके साथ साथ हमारे मिट्टी की कम मिट्टी के अंश भी उसके साथ बहते जाता है जो हमें लगता है कि नगर है, बट यदि हम इसको बृहद पैमाने से देखेंगे तो सॉइल अपने वाटर जो है पानी अपने साथ साथ हमारे मिट्टी के एक लेयर को भी अपने साथ लेकर बह जाती है, तो ये बहुत ही हमारे लिए ध्यान देने की बात है, क्योंकि मिट्टी का एक
इंच का जो लेयर है उसको बनने में हजारों साल लग जाते हैं। इसलिए मिट्टी का बचाव करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो इन सब चीज़ों के साथ किसानों को ले जाएंगे। थैंक यू सर। एवर्ट कर रहे हैं वहाँ पर सोयाबीन की खेती के साथ साथ वो जिंजर एक जो अदरक कली अदरक और पपाया का इंटरक्रॉपिंग करके बहुत अच्छा मुनाफा उन लोग का रहता है। साथ ही साथ उनका फाइनेंस जो है बहुत मजबूत है। तो बैंकिंग जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में इतने दिल खोल के फाइनेंस करती है कि वहाँ हर किसान को कम से कम 3-4 लाख का केसीसी होता ही होता है। तो आपसे भी उम्मीद होगा कि किसानों को इससे जोड़िए और ड्रिप इरीगेशन के उपयोग करके सॉइल कंजर्वेशन का पॉन्ड का उपयोग करके अपने खेतों में अच्छे से खेती कर पाएंगे। सर काफी से स्वागत करते हैं, साथ में हमारे जो जिला स्तरीय पदाधिकारीगण हैं उनका भी स्वागत करते हैं। सर समापन की ओर हम लोग सारा कर दिए हैं, जितने भी हमारे चीफ गेस्ट थे उन्होंने अपनी अपनी बातें रख दी है। तो सर मैं चाहूँगा सर का ये आशीर्वचन हम लोग को मिले और हमें आशीर्वचन से अनुग्रहित करें। यदि आप किसान परिवार से हैं और जिला स्तरीय रबी कर्मशाला 2024 ये अपने प्रखंड में आयोजित किया गया, बहुत किसानों को इससे लाभ मिलने की उम्मीद है इस विषय को लेकर। आज एक दिवसीय जिला पदाधिकारी पूर्वी सिंहभूम की ओर से सभी प्रखंड के जो कृषि मैंने क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उन सभी को कार्यशाला रखी हुई और हमारे जिला में किस प्रकार से मल्टीप्लाई खेती करके हमारे किसान को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले और उसको मैं हार्दिक और उस निश्चित उस लाभ को लेके वो लोग ज़्यादा अपना आमदनी को बढ़ाएंगे। जिला स्तरीय रबी का जो ये कर्मशाला आयोजित किया गया है जो कि हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा किया गया, जिसमें सारे लाइन डिपार्टमेंट्स के लोग थे, हमारे LDM साहब थे और बाकी सभी जो सीनियर मोस्ट ऑफिशियल्स हैं लाइन डिपार्टमेंट के, जैसे DHO साहब, हॉर्टिकल्चर मैडम, सॉइल कंजर्वेशन ऑफिसर, तो उनके द्वारा और जो हमारे ट्रेनर्स थे जैसे KVK से, तो हमारे जितने भी टीम हैं जो हमारे किसान भाई बंधु हैं उन लोगों को बताया गया कि किस प्रकार से रबी के जो प्लांटेशन है उसमें हम लोग किस तरह से अपना प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ जो भी मॉडर्न टेक्निक्स हैं जो सरकार की स्कीम्स उसके बारे में भी जानकारी दी गई और इस कर्मशाला का यही उद्देश्य है कि जो हमारा लर्निंग्स है फ्रॉम द फील्ड उसको भी हम लोग अडॉप्ट करते हुए नए मेथोडोलॉजी को समझते हुए कार्यरत रहें। साथ ही अगर फील्ड का कोई अच्छा एक्सपीरियंस है, कोई ट्रेनिंग की कमी है या किसी को ट्रेनिंग में भेजना है तो इस पर भी हम लोगों का कार्य होना चाहिए, जिससे कि जो किसान का आउटपुट है, प्रोडक्टिविटी है जो उसके ऑक्यूपेशन से वो बढ़ सके। अंत में एक इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन यही रहा है सभी लोगों से कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग जिसमें सभी डिपार्टमेंट्स की जो भी स्कीम्स उसको कन्वर्ज करा के वी नीड टू ब्रिंग मोर फार्मर्स अंडर दैट ब्रैकेट, और ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि हम लोग को हैंड होल्डिंग के साथ साथ आगे भी जो भी उनके इश्यूज रहते हैं उसको हम लोग को रिजॉल्व करने के लिए टाइमली फील्ड पर रहना चाहिए। BAOs की उपस्थिति मतलब किस किस प्रखंड से है? आई थिंक ये चीज़ आप पूछ सकते हैं हमारे जिला कृषि पदाधिकारी लगभग सारे प्रखंड सारे। लास्ट सवाल, हम लोगों का जो जिला है एग्री बेस्ड इकोनॉमी को टच करता है लगभग आंकड़े के हिसाब से, तो जो ग्रामीण किसान है जो गांव में खेती करते हैं दूर दराज के इलाकों में, सारी योजनाओं से जोड़ने का क्या कोई ऐसे प्रावधान है कि डायरेक्ट उनको अपने सारे बेनिफिट से जोड़े जाएं और उनको इमीडिएट इफेक्ट से उनके ऊपर मैंने कार्य किया जाए? जो सरकार ने जो DBT लाया है उससे तो एक बहुत सारे जितनी भी योजनाएं हैं उसमें DBT के माध्यम से उनको बहुत सारा भुगतान भी हो रहा है। सबसे पहले तो उनके अकाउंट्स में पैसे भी जाते हैं। दूसरा ये है कि जो भी स्कीम्स चलाई जाती हैं जिसमें मान लीजिए कि कैपिटल इंटेंसिव सीड इंटेंसिव होता है, तो हमारे जो प्रखंड लेवल ऑफिसर्स हैं और जो हमारी फील्ड मशीनरी भी है वो भी इस चीज़ को सुनिश्चित कर रहे हैं कि इन टाइमली उनको चीज़ें अवेलेबल हो जाएँ। साथ ही साथ जो उसमें रिक्विजिट ट्रेनिंग होती है वो उनको दी जाए ताकि अगर फसल हो या आजीविका का और संसाधन हो जैसे पशुपालन करना, तो उसमें किसी तरह का कोई क्षति ना हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वंस दे आर गिवन सीड्स और एनी एनिमल्स टू रियर अप, उनका कहीं से लॉस ऑफ ये जो कैपिटल है चाहे वो सीड के फॉर्म में हो चाहे वो एनिमल्स के फॉर्म में वो ना हो। तो हम लोग इसमें प्रयासरत हैं और कोशिश करेंगे कि प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो उपायुक्त महोदय के मार्गदर्शन में। सर ओवरऑल किसानों को क्या कहना चाहेंगे जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें? अब हम लोगों का एक ही इम्पोर्टेंट संदेश है कि आप अच्छा कर रहे हैं। हमारे सभी किसान भाई बंधुओं को सबसे पहले तो हृदय से अभिनंदन, और यही हमारा निवेदन रहेगा कि
जो भी आप पारंपरिक तरीके से कृषि के आयाम जानते हैं उसमें आप ट्रेनिंग जरूर ले लें। ट्रेन होने से क्या होता है कि हमें नई चीज़ें पता चलती हैं, जानकारी मिलती है, एक दूसरे के साथ फीडबैक जरूर शेयर करें, क्रॉस लर्निंग को बढ़ावा दें, और सरकार की जो स्कीम्स आती हैं जो कि ब्लॉक से आपको जानकारी दी जाती है उसको भी अपने कृषि में समायोजित करते हुए, उसको इंटीग्रेट करते हुए और सरकार की योजनाओं का लाभ लेते हुए आगे परस्पर बढ़े, हम लोग आपके साथ। आज जिला स्तरीय रबी कर्मशाला 2024 बड़ा सफल रहा और आप लोगों के कार्यशाला में लगभग 100 लोगों ने शिरकत किया और बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा, क्या कहना चाहेंगे इस विषय में आप? निश्चित रूप से हम लोग कर्मशाला का आयोजन साल में दो बार करते हैं, खरीफ सीजन के लिए करते हैं, रबी सीजन के लिए। रबी सीजन कर्मशाला जो अभी आज हो रहा था उसमें हमारे जिले के ये पदाधिकारी DDC सर उपस्थित हुए और लैंड डिपार्टमेंट के सारे जो पदाधिकारीगण थे, पशुपालन से और KVK के वैज्ञानिक और JRS के जो क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान है वहाँ से भी आए हुए थे और हमारे डिफरेंट ब्लॉक से PTM ATM सारे जुड़े हुए थे, उनके साथ कुछ प्रगतिशील किसान भी आए हुए थे। तो मेन कर्मशाला का मेन उद्देश्य होता है कि जो भी आज का जो तकनीक है कृषि के क्षेत्र में, जो नए नए तकनीक आई हुई है, वो या तो कृषि डायरेक्टली कृषि से हो या कृषि अभियंत्रण से हो, उस तकनीक को कैसे हम फार्मर्स तक पहुँचाएँ और इसका लाभ वो फार्मर्स लें, और निश्चित रूप से इसका फार्मर लेते हुए रबी जो खास करके रबी का जो हमारा कवरेज है जिले में बहुत ही कम है, बहुत ही उतना दिखता नहीं है उतने जोरों से, तो निश्चित रूप से रबी को के फसल में इसका कहीं ना कहीं आपको असर दिखेगा आने वाले दिनों में, इसका कवरेज बढ़ेगा। सर किसानों को क्या कहना चाहेंगे? जरूर किसानों को कहना चाहेंगे कि आप एकदम देश की बहुत ही महत्वपूर्ण आयाम से जुड़े हुए हैं, कृषि से जुड़े हुए हैं और आप ही की मेहनत से पूरा देश को अन्न प्राप्त हो रहा है, तो आप पूरा अपने काम को एकदम डटे रहिए, काम करते रहिए, हम हमेशा आपके साथ हैं और किसी भी तरीके का सपोर्ट के लिए हम आपके हमसे तत्पर हैं और इसी से हम कोशिश कर रहे हैं कि आप इसी को कृषि से ही जुड़कर एक अच्छा जीवन यापन करें, आपकी आमदनी भी दुगनी हो और आप इसको अपने आप तो करें ही करें, आपके साथ में जो भी पड़ोसी हैं उनको भी आप उत्साहित करें। फ्रेंड्स, कृषि विभाग और कृषि से संबंधित कार्य बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कृषि से ही हमारी इकोनॉमी को सस्टेनेबिलिटी और बल मिलता है। कृषि एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जो सरकार को, विभाग को, कृषकों को मिलकर एक कोऑर्डिनेशन के साथ कार्य करने की ज़रूरत है, जिससे कि कृषि में आधुनिकता, तकनीकी विकास और कैश क्रॉप्स, खासकर किसानों की आमदनी को बढ़ाने की जो हमारी मुहिम और चैलेंजेज हैं वो बेहतर हो सकेंगे। India TV ऑनलाइन की वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार, डॉक्टर अनु शर्मा के साथ।